दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हैं और आप अपना जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर आप अपना जो है स्टॉक्स में आप अपना ट्रेडिंग लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं ताकि आप वहां से अर्निंग कर सकें, तो और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आप अपना एंजल वन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, या फिर कोई स्टॉक कैसे बाई करते हैं उसमें हम अपना जो स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, या फिर मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी अगर आपको नहीं है, म्यूचुअल का क्या फंड में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां अगर आपको नहीं है तो कैसे मैं आज तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट तरीका आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने एंजल वन को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से आप अपना ट्रेडिंग करके आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर एंजल वन का होम स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से आपके मोबाइल में आपको भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ स्टॉक्स एंड एफएनओ म्यूचुअल फंड तीन ऑप्शन यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स में, आप स्टॉक्स में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। स्टॉक्स में दोस्तों देख सकते हैं कि जैसा कि यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कई सारे स्टॉक्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। यहां पर मोस्ट बॉट स्टॉक्स ऑन एंजल वन इन लास्ट 30 डेज, यानी बता रहा है कि 30 दिन के भीतर एंजल वन पर जो कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसमें जो है लोगों ने ज्यादा मात्रा में खरीदारी किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं VI का मत है, यस बैंक का, बेल का है, IRFC का है और भी सारे हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इसके जो भी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि एंजल वन पे जो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे जा रहे हैं अभी के टाइम में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये सारे स्टॉक्स हैं। अब इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नीचे की साइड देख सकें IPO का ऑप्शन भी यहाँ पर है। IPO में क्या होता है कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी शेयर मार्केट के में अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, बाद में ये लिस्ट होंगे। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अपकमिंग में बता रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो है आप यहाँ पे मोबीक्विक है, स्विगी है, ओयो है, ये सारे जो है स्टॉक्स हैं अभी अभी आ रहे हैं, आने वाले हैं अभी के टाइम में, ये अभी शेयर मार्केट के लिस्ट में नहीं अपडेट हुए हैं, ये आने वाले टाइम में आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों बात करते हैं सबसे जो लोगों का चहेता सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं अगर आपको जो है जैसे कि अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन आ रहा है, तो निफ्टी पर अगर मान ली क्लिक करते हैं तो निफ्टी में आपको टॉप 50 कंपनी जो भारत की जो 50 कंपनियाँ जो ऐसी हैं जो टॉप में हैं उन 50 कंपनियों का लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको जो वो सारे कंपनियाँ देखने को मिलेंगी जो आपके जो है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं SBI का है, यहाँ पे ट्रेडी है, HDFC लाइफ है, ग्रासिम है, कई सारी कंपनियाँ हैं, टाटा भी है, ITC है, टाइटन का है, ये सारी कंपनियाँ जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं अपने शेयर मार्केट में। तो इसमें अगर आप इसका चार्ट जैसे कि मान लीजिए अगर आपको निफ्टी का चार्ट देखना है तो चार्ट देखने के लिए दोस्तों जब आप निफ्टी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ऑप्शन चेन और चार्ट। तो चार्ट को देखना है तो चार्ट पे क्लिक करेंगे, चार्ट जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो इसका जो निफ्टी का जो चार्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी के टाइम में कि निफ्टी जो है आप लाइफ टाइम हाई पर यहाँ पर है और यहाँ पर जो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों मान के चलिए अगर और भी कुछ अगर स्टॉक में मान लीजिए अगर कुछ पैसा आपको लगाना है यानी इन्वेस्टमेंट के तौर पे पोर्टफोलियो में रखना है, यहाँ पे पोर्टफोलियो में अगर रखना चाहते हैं जैसा कि देख सकते हैं मैंने आइडिया का एक शेयर बाई करके रखा हुआ है जिसमें मुझे 4.86 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है अभी के टाइम में, 2 शेयर मैंने बाई करके रखा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सर्च का बटन है, अब आपके मन में कोई भी स्टॉक आ गया जैसे मन में जैसे मान लीजिए अगर आप टाइटन का स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी खरीद सकते हैं, कोई भी स्टॉक आप खरीद सकते हैं, आपको बस यहाँ पे जो सर्च का बटन है आपको इस पर क्लिक कर देना है और इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सर्च का बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम आपको बस टाइप कर देना है, यहाँ पर हम टाइटन का अगर टाइटन का हम शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम टाइटन लिख करके सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टाइटन का यहाँ पर NSE और BSE का जो एक्सचेंज है यहाँ पर आ चुका है। मान लीजिए हम टाइटन का NSE का जो एक्सचेंज है इस पर हम खरीदना चाहते हैं तो इस पर
हम क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि प्रेजेंट में टाइटन का जो यहाँ पे जो एक शेयर का जो दाम है यहाँ पे चल रहा है 32.12 रुपये चल रहा है। और अभी के टाइम में जो है टाइटन में जो आज के दिन में जो हाई या लो और ओपन हुआ था, आज के दिन में जिसका ओपनिंग प्राइस देख सकते हैं 3170 रुपये पे यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, हाई लगाया था 3222 रुपये पे और लो गया था 3165 रुपये पे, और अभी के टाइम में चल रहा है 3214 रुपये, यानी प्रॉफिट में है। यानी हमारा जो आज के डेट में आज के डेट में ओवरऑल प्रॉफिट देख सकते हैं 57 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि क्वांटिटी बाई प्राइस और सेल प्राइस का यहाँ पे लोग कितनी मात्रा में लोग खरीद रहे हैं और किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको चार्ट देखना है टाइटन का तो चार्ट भी देख सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे चार्ट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टाइटन का जो चार्ट है यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, चार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम में ये लग रहा है दोस्तों देख सकते हैं कि टाइटन का जो चार्ट है अभी डाउन ट्रेंड में है, यानी डाउन है, इसके प्राइस घटे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको फ्रेम चेंज करना है तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर जब क्लिक करेंगे तो जितने मिनट का, जितने टाइम का, जितने घंटे का आप चार्ट देखना चाहते हैं वो सब चार्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है तो 15 मिनट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, टाइटन का जो चार्ट है अप ट्रेंड में है। अब इसी तरीके से अगर आपको कैंडल का यहाँ पे दोस्तों देखना आपको यहाँ पे लाइन का चार्ट चाहिए तो लाइन का चार्ट देख सकते हैं, अगर बार्स चाहिए तो बार्स में देख सकते हैं, या फिर आपको जो है यहाँ कैंडल में देखना है तो कैंडल में आप देख सकते हैं। अब इसके बाद से अगर आपको समझ में आता है, अगर बाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे बाई का बटन है, बाई के बटन पे क्लिक करके आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। चलिए अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बाय करते हैं, अगर अब स्टॉक्स के बारे में हम जानकारी चाहिए टाइटन के बारे में कि आप जानना चाहते हैं ये स्टॉक कैसा है, यानी कंपनी कैसा है, कैसा परफॉर्म करती है मार्केट में, क्या काम करती है, सारी चीज़ें आपको देखना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर स्टॉक डिटेल्स का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो मार्केट का जो प्राइस है, जो अभी के टाइम में जो लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, किस रेट पर खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 52 सप्ताह का हाई एंड लो आप देख सकते हैं, 2882 से 3886 रुपये तक का यहाँ पे हाई और लो लगा था 52 हफ्ते में। और इसका चार्ट फिर से देखना चाहते हैं चार्ट भी देख सकते हैं, और टॉप में देखना चाहते हैं टॉप गेनर्स यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, एनालिस्ट रेटिंग यहाँ पे बता रहा है बाय 50% होल्ड 50% सेल 0, यानी यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और इसको होल्ड कर रहे हैं लेकिन कोई सेल नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है आपके लिए। मार्केट रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पे 26% का रिटर्न आपको मिलने वाला है, एक साल में आपका रिटर्न यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो नो मोर के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि गुड क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो आपका निगेटिव फाइनेंस ट्रेंड्स में आपका 0 है, मतलब बहुत कम है, यानी आपका जो है लॉस नहीं होने वाला है, फ़ायदा ही फायदा देने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फंडामेंटल रेशियो में देख सकते हैं पीई रेशियो, ईवी, और यहाँ पे ये सारे आपको जो रेशियो वगैरह हैं ये सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जो जानना चाहते हैं कि कौन कौन कंपनियां या फिर कौन कौन से जो FIIDIs जो हैं इसमें होल्ड करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लोग, यहाँ पे FII ने 19% अपना जो शेयर होल्ड करके रखा हुआ है और DII ने 1.20% का जो है शेयर होल्ड करके रखा हुआ है। इसी तरीके से सारे जो जो कंपनियां, जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो जो यहाँ पे जो है जो फर्म है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे सब देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चेक कर सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें देखना रहता है, SMA, EMA और भी बाकी चीज़ें आप अपना एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं, डेरिवेटिव्स में आप यहाँ पे इसके जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सारे आपको जो है आपको जो बस अपना एनालिसिस चेक कर लेना है, चेक करने के बाद से सब कुछ देखने के बाद से बस आपको यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए अगर आपने एनालिसिस कर लिया है, अब आपको बस खाली खरीदना है, तो खरीदने के लिए आपको क्या करना है, बाय का बटन है, बाय के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं डिलीवरी है, इंट्राडे है, पे लेटर है। तो दोस्तों अगर आप
आपको ये शेयर काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है या फिर एक दिन से ज़्यादा के लिए आपको होल्ड करना है। एक दिन से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, या फिर महीनों सालों तक अगर होल्ड करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ पर डिलीवरी का जो ऑप्शन है आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने इंट्राडेट सेलेक्ट कर लिया तो आज खरीदेंगे, आज ही आपको बेच देना है मार्केट बंद होने से पहले। तो यहाँ पर आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इंट्राडे में खरीदना है या फिर डिलीवरी में खरीदना है। चलिए हम आपको डिलीवरी का ऑप्शन हम आपको बताते हैं कि डिलीवरी में आप क्या क्या कैसे करना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी देख सकते हैं अभी के टाइम में 0 है। जब आप एक शेयर खरीदेंगे तो आपको कितना पैसा देना है, 3216.50। इस तरीके से इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। आपको बस खाली अपना यहाँ पर जो भी अपना पैसा है, आए जितना भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं, आपको बस यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि मान लीजिए हम एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर एक शेयर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। अब इसके बाद से दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं कि ये लिमिट और मार्केट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में मतलब मार्केट ऑर्डर अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो जैसा कि देख सकते हैं जो 3216.90 हो रहा है, वैसे ही सेम टू सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हो रहा है। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है जो एग्जैक्ट करेंट डेटा में जो आपका मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, एक शेयर का दाम, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिला है, उसी दाम पर आपको खरीदना होगा। बस आपको जैसे ही आपको यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाय के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पे लेटर का भी हम ऑप्शन बता देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पे लेटर वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद से आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीवरी पर आ चुके हैं, मार्केट पर हमने सेलेक्ट कर दिया, मार्केट का मैंने बताया। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, अब लिमिट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मान के चलिए मार्केट में अभी का जो शेयर का दाम है 3216.17 है, अगर आप चाहते हैं कि इसको 3200 घट करके जब 3200 पे आए इसका दाम, जैसे कि मान लीजिए हम 3200 खरीदना चाहते हैं, अब यहाँ से हमने 3200 इस पर हमने टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे हमने जैसे इस पर बाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद से हमारा क्या होगा कि ये ऑर्डर हमारा पेंडिंग में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3200 पे अपना प्राइस डाला हुआ है और मार्केट का दाम चल रहा है 3216, यानी जब आपका जो 16 घट करके यानी 3200 पे जब मार्केट आएगा तब आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको पोर्टफोलियो में दिखा देगा। इस तरीके से आप अपना लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। सेम टू सेम इंट्राडे में ऐसे करना है, पे लेटर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि पैसा कैसे ऐड करना है। जैसे कि आप अगर स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो स्टॉक खरीदने से पहले आपको पैसा ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अवेलेबल कैश है 0.00। तो अब पैसा कैसे ऐड करना है वो बात करते हैं। यहाँ से हम बैक कर देंगे, यहाँ से बैक कर देना है सब कुछ। यहाँ से बैक करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ट्रेडिंग बैलेंस हमारा 0 पैसा है, यानी 0 है। अब इसको पैसा ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, या फिर इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड फंड पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से आपको पैसा जितना इंटर करना है, जितना पैसा आप अपने अकाउंट में डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम 1000 डालना चाहते हैं, 1000 आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब उसके बाद से आपका यहाँ पर बैंक आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा जो आपने बैंक अपना लगा रखा है। अब इसके बाद से बस आपको ऐड फंड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद से आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। यहाँ से आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा आपके वॉलेट में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ से आपको अब स्टॉक में हमने बात कर लिया है, अब FNO में बात करते हैं। FNO में क्या करना होता है, FNO में दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हैं, फिन निफ्टी हैं, इन सारे आप ऑप्शन इंडेक्सेस में आप कर सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हम बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बैंक निफ्टी पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका डायरेक्ट बैंक निफ्टी में चार्ट देख सकते हैं, चार्ट इसका बैंक निफ्टी का क्या कह रहा है आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, 15 मिनट चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से चार्ट चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको जैसे मान लीजिए अब ऑप्शन में आपको बाय करना है तो ऑप्शन बाय करने के लिए आप ऑप्शन चेंज यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ऑप्शन चेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब इस टाइम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन चेंज में 52,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसमें जो है एक प्रीमियम का जो दाम है 199 में कॉल साइड में है और पुट साइड में 187 हैं यहाँ पर चल रहे हैं। अब चलिए जैसे मान लीजिए आपने एनालिसिस किया, चार्ट देखा, उसमें आपने जो भी एनालिसिस किया, आपको लगता है कि अगर मार्केट गिरने वाला है तो यानी आपको पुट साइड में अगर जाना है तो पुट साइड में जाने के लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि स्ट्राइक प्राइस ये है आपका, जो ये आपका आउट ऑफ द मनी का प्राइस है, ये इन द मनी का प्राइस है। तो जो आप पैसा जितना भी आप
मैं तो कहूँगा दोस्तों, कोशिश करिए कि आप इन द मनी का जो है स्ट्राइक प्राइस चूज करिए, उसमें आपको पैसा जो है प्रीमियम जो आपका डीके होता है वो कम होगा। तो इस पर हम जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको इस पर हम इस पर क्लिक करते हैं, हम ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहते हैं अपना प्रीमियम। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ से बाई और सेल का बटन आ जाएगा, तो बाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आप दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ और इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, इंट्राडे में आप आज खरीदेंगे आज ही बेच देना है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि ये इसका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी जब तक होगा तब तक आप ये होल्ड कर सकते हैं, यानी एक्सपायरी तक आप अपना इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉट साइज, यहाँ पर एक लॉट में 15 क्वान्टिटी है, यानी एक यानी आपको अगर बैंक निफ्टी में खरीदना है तो एक लॉट मिनिमम खरीदना है जिसमें 15 क्वान्टिटी रहे। आपको यहाँ पे जैसे कि मान लिया हम एक लॉट खरीदना चाहते हैं, एक लॉट हमने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लिमिट ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है इसी तरीके से। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर का मतलब वही हुआ जैसे कि यहाँ पे मार्केट में जो भी आपका दाम चल रहा होगा उसी दाम पे आपको खरीदना होगा। लिमिट ऑर्डर में आप अपने मन मुताबिक जो भी पैसा आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 150 रुपये पे खरीदना है तो 150 रुपये पे आपको डाल देना है। जब मार्केट घट करके आपका जब दाम 150 रुपये पे आएगा तो ऑटोमेटिक ये बाई आपका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद से दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बात कर लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्टॉक्स में बात कर लिया। अब बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको आना है, म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप अपना पैसा SIP कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 5 साल, 10 साल, जितने दिन टाइम के लिए आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतने टाइम के लिए आप कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मोस्ट पार्ट SIP में, HDFC स्मॉल कैपिटल फंड में जो है यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये का अगर आप SIP करते हैं तो 3 साल में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलने वाला है वो देख सकते हैं, 26.81% का पर एनम, यानी हर साल 26% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। यहाँ की जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 86,621 लोगों ने जो है इसमें आप इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, 100 रुपये का SIP किया हुआ है। अब SIP अगर करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इंटर अमाउंट का ऑप्शन आ चुका है और आप पैसा जैसे कि जब इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके पैसा बैंक अकाउंट से कटेगा। तो बैंक अकाउंट से किस डेट में आप कटाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप जो है जॉब करते हैं तो आपको जो कोई सैलरी जैसे 1 तारीख को आता है, आप चाहते हैं कि जो है 2 तारीख को आपका जो है यहाँ से हर महीने को जो है 3rd